देश में लंपी वायरस से सबसे ज्यादा खतरा गायों को बना हुआ है। वहीं राजस्थान में लंपी वायरस से कई गायों की मौत भी हो चुकी है। पड़ोसी राज्य होने से मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस दस्तक दे चुका है। वहीं भिंड जिले में करीब 3 दर्जन गायों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए, जबकि एक की मौत होना भी बताया जा रहा है। लंपी वायरस पर भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने बताया, लंपी वायरस से बचाव और सुझाव के लिए मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। अन्य जिलों से पशुओं की आवक एवं पशु मेलों पर भी रोक लगाई गई है। गौशालाओं में साफ सफाई के आदेश दिए गए हैं। संक्रमित गायों के लिए आइसोलेट सेंटर बनाए जा रहे हैं और जिले में गायों को 10,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3,000 गायों का वैक्सीनेशन हो चुका है। लंपी वायरस लक्षण वाली गायों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। पशु विभाग के उप संचालक रघुवीर सिंह ने लंपी वायरस के लक्षण वाली गाय भैंस के दूध पीने की जो भ्रांति है उसको लेकर भी बताया कि ऐसी गाय या भैंस के दूध पीने से ये बीमारी मनुष्य को नहीं लगती। पशु चिकित्सक ने बताया, लंपी वायरस से बचाव एवं सुझाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों की टीम बनाकर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। संक्रमित गायों को आइसोलेट सेंटर भेज रहे हैं। इसके साथ ही बीमारी से बचाव के लिए उन्होंने फिनाइल का घोल बनाकर पशु के आसपास छिड़काव करने की बात कही है। लेकिन जो सड़कों पर आवारा मवेशी घूम रहे हैं, उससे जहां एक ओर किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आवारा एवं पालतू पशुओं को भी लंपी वायरस का खतरा बना हुआ है। लोगों को, गांव वालों को इकट्ठा करके इस बीमारी के संबंध में, बीमारी कैसे होती है, इसका उपचार कैसे किया जाए, वैक्सीनेशन किस जानवर में होता है किस में नहीं होता है, और इसको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था की जाए, और जो पशुपालक है उसको क्या करना चाहिए, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह है वो छिड़कना चाहिए। ये बीमारी कॉन्टैक्ट से तो होती है, साथ में टिक्स रहते हैं। लंपी स्किन डिजीज का अभी तक 36 सिम्टोमेटिक केसेस आए हैं, मतलब कंफर्मेशन नहीं हुआ है, सिम्टोमेटिक केसेस आए हैं जिनका सैंपल्स वेटनरी डिपार्टमेंट के माध्यम से भोपाल लैब को भेजा गए हैं और उनका जो रिजल्ट है अपेक्षित है, परंतु क्योंकि सिम्टम्स लंपी स्किन डिजीज के इक्वल हुआ है तो इसलिए जो इमीडिएट जो एक्शन है वो लेने शुरू कर दिए हैं। एक है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का 10,000 डोज हम जो पशु कल्याण समिति के माध्यम से उसको क्राई कर लिए हैं।